जदयू एमएलसी राधा चरण साह सेठ की कई ठिकानों पर ईडी की रेड। सेठ जी कभी बेचते थे आरा स्टेशन पर जलेबी, बन गए करोड़पति और फिर एमएलसी। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में जदयू के एमएलसी राधा चरण साह उर्फ सेठ जी के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। कई ठिकानों में शाह का फार्म हाउस भी, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पहुंची। उनके साथ साथ उनके और भी कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि एक सप्ताह पहले भी उनके बेटे कन्हैया को टैक्स चोरी के मामले में समन आया था। इनके आरा स्टेशन के पास मौजूद फार्म हाउस पर छापेमारी की जा रही। इसके पहले भी कर चोरी के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग ने राधा चरण साह के यहां छापेमारी की थी। राधा चरण सेठ पहले आरा स्टेशन के पास जलेबी बेचा करते थे, लेकिन उनके पास कुछ ही वर्षों में किस तरह से अकूत धन आया कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत कई जगह पर उनके होटल और बड़े बड़े फार्म हाउस है। इसके जानकारी के बाद ईडी अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आय से अधिक संपत्ति इन्होंने कहां से अर्जित की है। आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जदयू एमएलसी 1971 में जलेबी बेचने का काम करते थे। यह काम पहले उनके पिता संभालते थे, इसके बाद धीरे धीरे होटल शुरू हुआ। इस समय एमएलसी के पास दुकान, राइस मिल, कोल्ड स्टोर आदि है। मनाली में भी उनका रिसोर्ट है। राधा चरण के मुताबिक मेहनत और ईमानदारी के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। जदयू एमएलसी राधा चरण सेठ के आरा स्थित 4 और पटना स्थित 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई। पूर्व में भी इनके विभिन्न ठिकानों पर ईडी रेड डाल चुकी है। छापेमारी के दौरान मिले साक्ष्य और इनपुट के आधार पर ईडी ने राधा चरण सेठ और उनके बेटे कन्हैया से लंबी पूछताछ की थी। अलग अलग दिन पिता और पुत्र से ईडी ने यह पूछताछ की थी। पूछताछ में राधा चरण सेठ और कन्हैया के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं हुई थी। इसके आलोक में एक बार फिर से ईडी ने राधा चरण सेठ के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। आरा बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से जदयू के एमएलसी राधा चरण सेठ पर आरोप है कि वे बिहार में बालू माफियाओं के साथ मिलकर बालू के अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। ईडी ने इसी वर्ष जून महीने में राधा चरण सेठ की अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा था। इससे पहले फरवरी महीने में टैक्स चोरी मामले में आयकर विभाग ने सेठ के घर पर छापा मारा था। इसके 7 महीने पहले जदयू एमएलसी राधा चरण साह के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। आरा समेत देश के अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा था। इस रेड के दौरान शाम को अनाइट स्थित फार्म हाउस पर नोट गिनने के लिए मशीन भी मंगवाई गई थी। आपको बता दें कि आरा शहर के लिए या बिहार राजनीति में राधा चरण साह कोई नया नाम नहीं है। एमएलसी चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी के तौर पर आरा बक्सर स्थानीय प्राधिकार के बिहार विधान परिषद के चुनाव में जदयू नेता ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। इससे पहले राधा चरण साह ने पहली बार साल 2015 में आरजेडी कोटे से एमएलसी का चुनाव लड़ा था। उस दौरान में सेठ जी लालू यादव के परिवार के बेहद खास माने जाते थे। उस चुनाव में राजग गठबंधन के प्रत्याशी हुलास पांडे को उन्होंने 329 मतों से हराया था। बाद में पार्टी बदलकर जदयू में चले आए। फिर 2022 में जदयू प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने दूसरी बार विधान परिषद का चुनाव जीता था। बहरहाल आरा स्टेशन में जलेबी बेचने वाला व्यक्ति कैसे बन गया करोड़पति और फिर एमएलसी, यह खबर राजनीतिक हलकों में सुर्खियां बटोर रहा है। लाइव सिटीज के लिए शुभम सौरभ की रिपोर्ट।